गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ का प्रश्नावली 3C सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्नावली सी में हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है, उसके कुछ विधि दिए हैं। हम उन विधियों पर आज पहले डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। पहला हमारा है प्रतिस्थापन विधि। तीन विधि है लेकिन हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसको पहले बताएं। प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है हमारा विलोपन विधि। विलोपन और आपका एक होता है ब्रज गुणनखंड विधि। तो ब्रज गुणनखंड विधि हम 3D में पढ़ेंगे, इसलिए पहले 3C में जो हम पढ़ना है हम इसको पढ़ते हैं। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले प्रतिस्थापन विधि का हम आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो प्रतिस्थापन विधि को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, विलोपन विधि को मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हम पहले प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं एग्जांपल लेके। मान लीजिए हमने लिया 3x प्लस के 2y इक्वल 11। ये हमारा पहला समीकरण है। हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल 4। इन दो समीकरणों को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये क्या है? 3 है बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल 11 और 2x प्लस 3 इक्वल 4। इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। इसको हम ऐसे राइट कर सकते, चलिए ऐसे जाने दें हमारा पहला समीकरण और सेकंड। प्रतिस्थापन विधि को तो हम मान लेते हैं हमारा 3x प्लस 2y इक्वल 11 पहला हो जाए और 2x प्लस 3y इक्वल 4 हमारा दूसरा है। किसी एक समीकरण को आपको लेकर पहले हल करना हो तो चलिए हम पहले समीकरण को लेते हैं। ले लें पहले समीकरण को, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल 11 है। किसी एक को अकेले रखना है, क्या? किसी एक को अकेले रखना। चलिए y को हम अकेले रखना चाहते, 3x इधर प्लस है तो उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। 2y इक्वल 11 एक प्लस है तो इधर जाएगा, पक्षांतर हम कर रहे हैं 3x हो गया। पक्षांतर होने पर साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस 3x है, जब ये इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस माइनस के हो जाता है। यहाँ 2y का संबंध है, मतलब 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3x अपॉन 2। हमने समीकरण फर्स्ट को इस तरह लिख लिया और इसको मान लिया समीकरण थर्ड। ये ध्यान देंगे आप लिखेंगे समीकरण y का मान या समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, या इसका मान फर्स्ट में रख देंगे तो जीरो हो जाए, इसलिए जिस समीकरण को लेकर हल करते हैं उसमें नहीं रखते हैं। अब लिखेंगे अतः y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, चाहे समीकरण y लिखो या समीकरण थर्ड लिखो या y का मान हमारा इतना है, तो समीकरण पहले हम सेकंड को राइट करते हैं y में प्रतिस्थापित करने पर। तो सेकंड क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 4 है। 2x को ऐसे रहने दें, 3y की जगह क्या रख दें? 11 माइनस
माइनस थ्री एक्स अपॉन टू इक्वल के फोर, वाई के जगह पर इलेवन माइनस थ्री एक्स अपॉन टू इक्वल फोर। तो हमने क्या किया, अब थ्री का मल्टीप्लाई इसमें, थ्री का मल्टीप्लाई इसमें, चलिए करते हैं 2x, 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, मल्टीप्लाई 11 में करें तो 11 3 33 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9x अपॉन के 2 इक्वल के 4। ध्यान दीजिए इसके अपान वन कर सकते हैं और लेस है तो दोनों का आएगा तो आएगा 2, अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 4x प्लस के 33 माइनस 9x इक्वल 4। यहाँ ध्यान दीजिए अब ये 2 इधर जाएगा, इसको मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ 4x माइनस प्लस के 33 माइनस के 9x अपॉन 2 इक्वल 4, इसको मैं इधर राइट कर लिया। यहाँ देखिए एक 2 डिवाइड कर रहा पूरी, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 और साथ ही साथ यहाँ प्लस के 4x है, यहाँ माइनस के 9x है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5x, बड़े वाले का चिन्ह लगता है तो 9 के आगे माइनस है तो माइनस 5x प्लस के 33 इक्वल 4 में 2, ये 4 डिवाइड कर रहा उधर गया बुरा हो गया, अब आपका आ गया माइनस 5x प्लस 33 इक्वल 8, 33 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5x इक्वल भी लगा लीजिए इक्वल 8 माइनस 33। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 5x 30 में से 8 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 25, बोथ साइड आर माइनस यू कैन कैंसिल आउट, इसको कट कर सकते हैं 5x इक्वल आ गया 25, x इक्वल मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो कट होगा 5, तो x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान समकार्त किस में रखे, थर्ड में रखो फर्स्ट में रखो या सेकंड में, किसी भी समकरण में x का मान रखेंगे वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आसान है समकरण थर्ड में रखने पर, जैसे समकरण थर्ड में रखेंगे y का मान आ जाएगा, तो रखते हैं लिखते हैं, अतः x का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समकरण थर्ड क्या है y बराबर 11 माइनस 3x अपॉन 2, तो y इक्वल 11 माइनस 3 इंटू x का मान कितना है 5 है, तो 5 टोटल के अपॉन 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं y इक्वल 11 माइनस 3 5 जब 15, मतलब 3 का पावर 5 में पड़े 3 5 से 15 अपॉन के 2, 11 में से 15 जाएगा मतलब निकाला जाएगा, तो बड़े वाले 15 में से 11 जाएगा, तो 15 में से 11 जाएगा 4/2, चिन्ह किसका लगाएंगे बड़े अंक का, 15 बड़ा इसके आगे माइनस, अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2, y इक्वल माइनस के। तो आई होप आपको समझ में आ गया x और y का मान हमने प्राप्त कर लिया, x का मान कितना आया देखो 5, y का मान माइनस के 2 आया, तो इस तरह समीकरण का हल हमने प्राप्त किया किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 3C में हमें x और y का मान निकालना होगा, जहाँ कुछ भी नहीं कहा है सिर्फ कहेगा x और y का मान निकालिए तो आप कोई भी मेथड लगाइए, लेकिन जहाँ कह देगा
कि यदि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो प्रतिस्थापन से करना होगा, विलेपन विलोपन कह दे तो विलोपन विधि से हल करना होगा, इस चीज को विशेष ध्यान देना होगा। चलिए देख लीजिए आपको इस चैप्टर को, आप इस प्रतिस्थापन विधि के संकरण मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि प्रतिस्थापन विधि थे जो हमने संकरण लिया पहला और दूसरा, इन दोनों संकरण में संकरण फर्स्ट को एक लेकर मैंने y का मान निकाला, y को अकेले किया ये माना, अब इसका मान संकरण सेकंड में रखा, यहाँ ध्यान देना है इसका मान जिसको लेकर साथ करते उसी में नहीं रखा जाता है, संकरण फर्स्ट में है तो संकरण फर्स्ट में कभी नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, जैसे सेकंड में रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका x का मान आएगा या y का, जो भी ऐसा कुछ नहीं आप कहेंगे y सर क्यों y, आप यहाँ x के रूप में निकाल सकते थे, x का मान निकाल सकते थे, यहाँ हम y का मान निकाले आप x भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, x निकाले या y, यदि x निकालें तो x के जगह पर रखेंगे आप, y निकाले इसे y के प्लेस पर रखेंगे, x निकाले हैं होते तो x से हम रखते हैं, आंसर आपका वैसे ही आता, पहले यहाँ x आया तो ये y निकाले होते x तो यहाँ y आ जाता, फिर बाद में x आता तो आपको, लेकिन आंसर आपको 100% मिलता। तो आपको प्रतिस्थापन विधि का एक एग्जांपल हमने बता दिया, चलिए प्रतिस्थापन विधि का दूसरा एग्जांपल हम लेकर आते हैं। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करूंगा, देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा x माइनस वाई इक्वल टू, इसको मान लिया फर्स्ट, और हमारा दूसरा है 4x प्लस 7y इक्वल 30, ये हमारा समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4x प्लस 7 इक्वल 30, ये दो समीकरण है, हम किसी एक का प्रयोग करके x से y का मान निकालते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड ले या फर्स्ट, चलो फर्स्ट ले, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू है, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू प्लस की y, अब इसको हम मान ले समीकरण थर्ड, ध्यान दीजिए अब समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे सेकंड में, या थर्ड फर्स्ट में रख दिए तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका मान हम कहाँ रखेंगे सेकंड में, तो लिखेंगे पुनः पुनः समीकरण थर्ड का मान समकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखते हैं समकरण क्या है सेकंड, इसको ये राइट कर लेते हैं 4x प्लस 7y इक्वल 30, देखिए उस बार मैंने y निकाला था अब की बार x, इसलिए मैं ऐसा कर दिया, आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाए, इसलिए आपकी x का वैल्यू वहां रखेंगे, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 प्लस y, तो यहाँ 4 ब्रैकेट में रख देंगे 2 प्लस के y प्लस के 7y इक्वल 30। अच्छा तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि यहाँ दो वेरिएबल हैं, और जब दो वेरिएबल होते हैं मतलब दो चर हैं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनको एक चर बनाने के लिए मैं ऐसा काम करता हूँ, प्रतिस्थापन करता हूँ जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ टू वेरिएबल यहाँ कभी नहीं सॉल्व होंगे, हम एक जब इसको x से आप इसको रख देंगे तो हमारा वन वेरिएबल हो जाएगा, जैसे वन वेरिएबल हो तो उस वन वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसलिए हम इसका प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 4 2 8, 4 का मल्टीप्लाई y में कराएंगे 4y प्लस के 7y इक्वल 30, 4y प्लस 7y सेम वेरिएबल है अब पावर भी सेम है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड होते हैं इनके कोएफिशिएंट जुटते हैं 4 एंड 7, 4 7 जुटेंगे क्या हो जाएगा 8 को ऐसे लाने दें कितना हो जाएगा 11 और y है तो y इक्वल 30, 8 प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, जब हम ट्रांसफर करते हैं पक्षांतर करते हैं तो साइन बदल जाते हैं 11y इक्वल 30 माइनस के 8 हो जाएगा, और 30 माइनस 8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आएगा 22 आएगा। अब यहाँ y और 11 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो जब y से दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएंगे, देन आपको y इक्वल हो जाएगा 22 अपॉन 11 और 11 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2, हेंस आप y का मान कितना आया 2 आया। अब y का मान चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, तो इजीली कहां पाता है थर्ड में रखें, तो लिखेंगे अतः y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो किसमें थर्ड में, तो थर्ड को लिख लीजिए x बराबर 2 प्लस के y का मान कितना है 2 है, तो y की जगह रख देंगे तो x इक्वल 2 प्लस के 2, x इक्वल क्या आ जाएगा 4, x इक्वल 2 प्लस y की जगह 2 रख दिया 2 4, तो आपका वैल्यू सॉल्व हो गया, आपका दोनों चर जो है वेरिएबल के मान आ गए, x का मान 4 आया, y का मान 2 आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रतिस्थापन भी किया जाता है, उनके दो एग्जांपल से मैंने आपको प्रतिस्थापन भी को एक्सप्लेन कर दिया। प्रतिस्थापित करना, किसी का मान दूसरे स्थान पर रख देना ही प्रतिस्थापन है। आपको ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक वेरिएबल को गायब करना चाहते हैं, जिससे उन समीकरणों में एक वेरिएबल होगा, जब एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा तो उसको आसान होता है सॉल्व करने में, और जब दो चर वाले होते हैं तो उसको अकेले नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ दो युग्म होता है समीकरणों का।